हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर 11, दैट इज़ सिंपल मशीन्स पार्ट 2। तो बच्चों, अभी तक हमने सिंपल मशीन्स में पढ़ा है कि जो सिंपल मशीन्स होती हैं, बेसिकली वी यूज़ दिस मशीन इन आवर डेली लाइफ। हम हर रोज़ जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशीन्स का बहुत उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा था कि मशीन्स के भी पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट था लीवर एंड स्क्रू। तो लीवर के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, लीवर इज़ द फर्स्ट सिंपल मशीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। तो लीवर के भी कुछ फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, तो जिनको हम सिंबल के थ्रू पढ़ते हैं। तो FLE, तो F का मतलब होता है फलक्रम, L का मतलब होता है लोड, E का मतलब होता है एफर्ट। और फर्दर लीवर को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ FLE फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो बच्चों, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है खैर, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए नया है, तो आप समझने की थोड़ी कोशिश करें। तो यहाँ पर मशीन्स की जो टेक्निकल टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग मशीन्स को समझाया गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप समझने की कोशिश करें डायग्राम्स की हेल्प से। जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो हमने देयर आर 6 काइंड ऑफ सिंपल मशीन्स, ठीक है, 6 तरह की सिंपल मशीन्स होती हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था कि लीवर क्या है, एक सबसे सिंपल मशीन है जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज़ की गई थी। और लीवर के कितने भाग होते हैं, लीवर के हमारे 3 भाग होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम FLE सिंबल दे दिया, F से फलक्रम, L से लोड, E से एफर्ट। मतलब हमें एफर्ट में क्या करते हैं, हमें फोर्स लगाना पड़ता है, किस पर लगाना पड़ता है, कोई भी वजन होता है उस पर, और जो बेस होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं फलक्रम। तो यह लीवर के क्या हैं, 3 भाग हैं, ठीक है बच्चों, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट क्लास लीवर से, फिर से मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ बच्चों। जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है, हमने 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी आप जब भी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास तीनों को पढ़ोगे, तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, FLE, फलक्रम, लोड, एफर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि हमने बस यह बताना है कि पोजीशन क्या होती है, और उसके बेस पर उन मशीन्स का एग्जांपल हमने देखना है जिस पे ये बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो फलक्रम इज़ इन द मिडल, लोड एंड एफर्ट आर ऑन आइदर साइड, फॉर एग्जांपल सीसो, सीजर, बीम बैलेंस। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। फलक्रम मैंने कहा था, ये एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एक सिरे पर लोड होता है, दूसरे सिरे पर हम बल लगाते हैं। तो इस तरह की हमने यह जो डायग्राम है, उसके बेस पर ऐसी कौन सी मशीन है जिसके एक साइड तो हम बल लगाते हैं और एक साइड फिक्स्ड पॉइंट है जिससे कोई रोड अटैच है, या कोई भी हमारी जो फॉर एग्जांपल कैंची की जो ये दो आप देख सकते हैं अटैच है पॉइंट। तो फलक्रम यहाँ पर कहाँ पर होगा, तो ऑब्वियस है फलक्रम यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर ये दो आप देख सकते हैं, आपको लोहे की आयरन की जो प्लेट सी दिखाई दे रही हैं, तो फलक्रम ये हो गया। और एफर्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ पर, क्योंकि हाथ से तो मस्कुलर एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, तो एफर्ट तो यहीं लगेगा। और जो लोड है, मतलब यहाँ पर जब हमारा कपड़ा कटता है, तो ये हमारा वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीज़र क्या है, सीज़र फर्स्ट क्लास लीवर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में हमेशा याद रखना, फलक्रम बीच में आता है, लोड साइड पर और एफर्ट हमेशा साइड पर। फिर उसी के बेस पर हमने जो सेकंड क्लास लीवर है, उसमें देखना है, द लोड इज़ इन द मिडल, फलक्रम एंड एफर्ट आर ऑन आइदर साइड, फॉर एग्जांपल नट क्रैकर, बॉटल ओपनर, विल बैरोज। तो बच्चों, हमने ना 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी, FLE, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। अब यह क्या क्या करता है कि अब बीच में कौन आ गया, अब बीच में आ गया लोड, भार, और एफर्ट देखो वहीं लग रहा है एक साइड पर, फलक्रम हमारा कहाँ चला गया, आगे, ठीक है।
अब इसके बेस पर कौन सी मशीन है जो इस उस पर काम करती है फिनोमिना पर, ठीक है, तो इस विधि पर काम करने वाली कौन सी होगी। तो इन्होंने कहा है यहाँ पर बोटल ओपनर। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि सब बच्चों ने बोटल ओपनर को देखा हुआ है। तो इस तरह से आप देखते हैं बोटल ओपनर होता है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एफर्ट तो यहीं पे लगता है ना, ये बोटल का ढक्कन है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इसको यहाँ पर इसके सिरे पर लगाते हो, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, और एफर्ट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एफर्ट यहाँ लगाया, फोर्स लगाया, ढक्कन ये हमारा क्या था, लोड, ठीक है। तो और सॉरी ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ पर ये हमारा आप देख सकते हैं जो ये ओपनर होता है ये अटैच होता है हमारे फलक्रम से, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट तो ये हुआ ना, तो फलक्रम कहाँ हुआ, बिल्कुल आगे। फिर हम यहाँ पर प्रेशर देते हैं और एकदम से जो बोतल का ढक्कन है वो बाहर निकल आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो बोतल ओपनर होता है वो क्या है, वो सेकंड क्लास लेवर होता है, क्योंकि बीच में क्या है, लोड, ठीक है। ढक्कन कहाँ गया बीच में, और अटैचमेंट कहाँ होगी फलक्रम की साइड्स में, और एफर्ट कहाँ लगा, बिल्कुल फॉर एग्जांपल देखो ये बोतल का ढक्कन है, अब इस पर हमने ये बोतल ओपनर लगा दिया, तो जो ढक्कन है वो तो बीच में हो गया, वो लोड है, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ होगी साइड से, तो वो क्या फलक्रम, बल कहाँ लगा, फोर्स कहाँ लगी, बिल्कुल साइड में। यहाँ पर आप फोर्स लगाओगे तभी ढक्कन कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो इसे कहते हैं हम सेकंड क्लास लेवर। इसी तरह से नट्स क्रैकर, जो नट्स को तोड़ने वाले क्रैकर्स एक मशीन होती है, उससे क्या होता है फटाफट से जो नट्स को क्रैक करके उसमें से फॉर एग्जांपल अखरोट, तो वहाँ से जो नट्स को निकाला जाता है, व्हील बैरोज, इसी तरह से व्हील बैरो भी काम करती है। व्हील बैरो मतलब जो चक्के को, जो चक्के होते हैं हमारे व्हील, तो उनको जो निकाला जाता है, तो वो भी मशीन्स इस तरीके से ही काम करती है। तो यह है आपकी जो सेकंड क्लास लेवर की बात हुई। अब बात करते हैं थर्ड क्लास लेवर की। जो थर्ड क्लास है उसमें फलक्रम देखो वहीं पोजीशन पे है, लेकिन लोड और एफर्ट में पोजीशन चेंज हो गई। अब लोड बिल्कुल कॉर्नर पर चला गया और एफर्ट कहाँ लग रहा है, बीच में। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेपलर, जो आप पिन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। आप सोचो देखो फलक्रम यहाँ पे क्या है, ये दो पॉइंट क्या होंगे, मीट करेंगे। हम प्रेशर कहाँ देते हैं, हम एफर्ट कहाँ लगाते हैं, बीच में, और लोड कहाँ होता है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि यह जो स्टेपलर है वो क्या है, वह थर्ड क्लास लेवर, सॉरी थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल है। द एफर्ट इज़ इन द मिडल, तो द लोड एंड द फलक्रम आर ऑन द आइदर साइड। फॉर एग्जांपल स्टेपलर, फोर्सेप, फिशिंग रोड्स। फोर्सेप होती है जो हम इस तरीके से लैब में यूज़ करते हैं, जो फॉर एग्जांपल आप देखते हैं चिमटे के जैसी होती है, पर आकार में बहुत छोटी होती है। हम प्रेशर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो हम देते हैं तो अटैचमेंट होती है यहाँ पर। तो फोर्सेप एक तरह से चिमटी होती है छोटी सी, जो हम लैब वगैरह में यूज़ करते हैं। फिशिंग रोड्स, तो इस तरह से ये सभी क्या है, यह सभी सिंपल मशीन्स थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण है। तो इसको याद करना बहुत आसान है बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं FLE। तो F से क्या है फलक्रम, L से क्या है लोड, E से क्या है एफर्ट। उसके नीचे आप लिख लो 1, 2, 3। तो 1 मतलब जो बीच में होगा, तो यहाँ फलक्रम क्या है, बीच में होगा। यहाँ पर लोड क्या है, सेकंड क्लास में, ये हमारी क्लासेस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में क्या होगा, फलक्रम बीच में होगा, हमने मिडल पोजीशन के अकॉर्डिंग करना है, ये सिर्फ मिडल, भाई मिडल में कौन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में फलक्रम मिडल में होगा, सेकंड क्लास में लोड मिडल में होगा, और थर्ड क्लास में एफर्ट मिडल में होगा। तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, FLE 1, 2, 3, ये क्या है हमारी क्लासेस। तो फर्स्ट क्लास में बीच में कौन सा है फलक्रम, सेकंड क्लास में कौन सा है लोड, थर्ड क्लास में कौन सा है एफर्ट। तो इस तरह से आप कभी भूलोगे नहीं, और हमेशा आपको यह याद भी रहेगा। तो अब हम सेकंड जो हमारी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पुली, पुली डिस्क विद ग्रूव रिम, ठीक है। तो अ पुली हैज़ अ व्हील विद अ ग्रूव इन इट्स रिम। तो रिम होता है जो इसकी जो बाहर की एज है, इसे ये जो आप देखते हैं गोलाई, तो इस तरह से उसे बोला जाता है रिम। बाहर के जो सरफेस होता है उसे रिम कहा जाता है।
तो यह एक व्हील है, गोलाकार है, एक चक्के के एक चक्के की तरह दिखाई दे रही है। तो विद अ ग्रूव, ग्रूव होती है एक कैनाल, बीच में खाली जगह। अ रोप चेन और बेल्ट पासेस अराउंड द ग्रूव। जो फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा, तो आपने पुराने ज़माने में जो वेल देखे थे, तो वहाँ पर आप देखते हो कि एक चक्का लगा होता है, ठीक है, और उसमें से एक चेन बंधी होती है इस तरीके से। एक रस्सी या चेन तो यहाँ पकड़ रखी होती है और यहाँ बाल्टी लटकी होती है। तो ये एक तरह से क्या, एक पुली है ना, बीच में चेन को आप खींच रहे हो और ला रहे हो और वो गोल है। तो यह बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्ट आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो अ रोप चेन और बेल्ट पासिस अराउंड द ग्रूव। तो ग्रूव क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से हमारी जो पुली होती है, इसमें से बीच में से रस्सी निकल रही होती है, ये गोलाकार होती है और यह ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे क्या होता है कि हमारी चेन मूव करती है और बाहर निकलती है। ग्रूव इसे बोलते हैं, जो बीच वाला रास्ता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला रास्ता क्या है, ये कहलाता है ग्रूव, और ये क्या है, रिम, ठीक है। और इसमें से क्या है, रस्सी लगी हुई है जो रस्सी खींचती रहती है, कभी इस साइड कभी इस साइड, ठीक है। तो द डिस्क रोटेट अराउंड एन एक्सल, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन, अगर आप यहाँ बाहर रखोगे तो ये चेन नीचे की तरफ चली जाएगी, फिर अगर आप यहाँ से खींचोगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इतना कन्फ्यूज ना हो, आप हमेशा बस जो वेल होता है, कुआँ होता है, कुएँ के ऊपर जो पुली लगी होती है, उसका एग्ज़ाम्पल ध्यान में रखें कि यहाँ पे एक ग्रू, ये क्या है ग्रूव, ये रिम, और बीच में ये रस्सी या चेन है, और इसके एक साइड क्या है, बाल्टी बंधी हुई है, बकेट, और यहाँ से आप खींचते हो तो ये ग्रूव में से रस्सी क्या है, खींच रही है, आपके पास आ रही है तो ऊपर आ गई बाल्टी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह पुली काम करती है। और दिस एक्सल इज़ फिक्स टू अ ब्लॉक, और यह एक्सल एक ब्लॉक, कोई भी प्लेस होता है उससे फिक्स्ड होती है। वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू द लोड। तो मैंने जैसा बताया, लोड क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें वेल की, तो लोड यहाँ पे क्या है, हमारी बकेट, ठीक है। वी अप्लाई फोर्स एट द अदर एंड बाय पुलिंग इट, तो दूसरी तरफ हमारा हाथ से हम फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये एक साइड रस्सी के लोड बंधा हुआ, एक साइड फोर्स लग रहा है, बीच में क्या है, पुली है, पुली के बीच में ग्रूव है जिसके अंदर से रस्सी निकल रही होती है, और यह गोलाकार है, तो इस तरह से पुली काम करती है ना। तो एग्जांपल आप देख भी सकते हैं पुली का। अब पुली इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स। पुली मतलब पुलिंग होता है, इंग्लिश शब्द है जो कि जिसका मतलब होता है खींचना। तो बेसिकली हम पुली को खींचने वाले जो चीज़ें हैवी होती हैं, खींचने के उनको खींचने के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यू अप्लाई। तो यह जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस डायरेक्शन जो फोर्स है उसको भी यह चेंज कर सकती है, ठीक है। कैसे, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो वेल वाला देखा है, अगर आप बाल्टी को छोड़ देते हैं तो फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो एकदम बाल्टी नीचे चली जाती है। तो इस तरह से आपके फोर्स के अपोजिट भी काम होता है। तो इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन होता है बिल्कुल तिरछा। इंक्लाइन का मतलब होता है तिरछा, तो प्लेन मतलब एक बोर्ड है जो बिल्कुल तिरछा है। एन इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोपिंग सरफेस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, पहले आप लीवर और पुली के बारे में अच्छे से समझ लें, और जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।